यू हैव फ्रॉम स्टार्टिंग इफ आई टॉक अबाउट देख बाई देख आहत बोगी होगी सी आई डी मतलब जो होता है ना कि आइकनिक काफी ये अपने आप में था आपने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सो यू नो हाउ डू यू गेट इंस्पिरेशन फॉर दीज काइंड ऑफ स्कोर्स लाइक हाउ डू यू गेट एन आइडिया यू नो आइडिया से ज़्यादा आई थिंक जो डायरेक्टर होता है वो उसमें क्या देख रहा है वो शो में जो देखने वाला मेरा तो बहुत क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू वांट द व्यूअर टू फील करेक्ट उसके हिसाब से देन आई कैन स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज देयर व्हाट आर द आइडियाज यू हैव एंड देन आई कैन गिव यू समथिंग जो ये पोर्ट्रेट करता तो एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक मेरा तो काम ही साइकोलॉजिस्ट के जैसा है एक्चुअली यू नो कि पहले माइंड अंडरस्टैंड करने कि क्या है क्या चाह रहा है और अगर कभी कभी वो जो टर्म्स कह रहे हैं डज इट मीन द सेम थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ द सेम टर्म यू नो कोई आदमी बोलता है पेपी चाहिए तो पेपी तो कितने तरीके अलग अलग चीज़ होते हैं और हम हर माइंड पेपी अलग चीज़ को पेपी कहता है तो वो सेम चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है कि होना बहुत ज़रूरी है तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे डायरेक्टर से आती है वेरी नाइस और हाउ वाज योर जर्नी विद केसरी स्टार्टेड लाइक हाउ यू लैंड अप डायरेक्टिंग दैट म्यूजिक अनुराग सिंह जी जो हैं जो डायरेक्टर हैं फिल्म के वो उनके साथ में मैंने एक पिक्चर की थी पंजाब 1984 जिनके लिए जिस पिक्चर के उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल फिल्म तो वो 84 के दौर का एक मदर एंड सन का स्टोरी थी तो वो करने के बाद में आई बिलीव के क्योंकि वो पंजाब के बारे में थी और ये अगेन दिस इज़ अबाउट पंजाबी एंड सिखिज़्म एवरीथिंग मैं भी एक सिख हूँ बॉर्न सिख एंड ही इज़ ऑल्सो सो प्रॉबेबली टू डू समथिंग लाइक दिस ही फेल्ट आई वुड बी द राइट पर्सन टू बी ऑन द फिल्म तो ही मेड दिस टीम तो वहाँ पर मुझे मौका मिला और हमने मिल के ये काम किया So, sir, do you think composers these days have lot of pressure? Like singers have the easy job than composers because कई बार ऐसा होता है lyricists, composers not get enough recognition. या अगर कोई movie भी आती है कोई interview भी होता है तो बोला चलो भले ही song XYZ person ने गाया but actor आके उस गाने के बारे में बोलता है. So, do you think that composers और इनको भी इतना recognition, lyricists को भी recognition मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा? मेरे हिसाब से जिसने जो काम किया है उसकी उसके बारे में लोगों तक बात तो पहुंचनी ही चाहिए और सिर्फ होता ये है कि बिकॉज पीपल हु आर देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आर मोर रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे ऑलवेज सीन एंड वी आर आवर वर्क इज ऑलवेज ओनली हर्ड वाया समबडी है ना ऐसा भी नहीं है कि मैंने बनाया और मैं ही गा रहा हूँ और मैंने ही लिखा हुआ है यू नो तो फिर तो मैं ही आर्टिस्ट हूँ मैं सामने देख भी जाऊँगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कंपोज किया है और जो लिरिक्स जो लिखे गए जिसने भी लिखे हैं ये किसी एक्टर पे फिल्माया जाता है और इट्स अ लिटिल थोड़ा सा ऑड क्यों या तो बोला जाता है ये शाहरुख खान का गाना है या ये सुनने का गाना है बट ये बहुत कम बोला जाता है लेकिन म्यूजिक एडिटर का या ये लिरिसिस्ट पहले के दौर में एवरी टाइम अ सॉन्ग वाज अनाउंस्ड इट वाज अनाउंस्ड रेडियो पे ना कि उसके म्यूजिक डायरेक्टर जिसमें पूरा उनका लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं ये ना ऐसे आई थिंक वो दौर वापस शुरू होना चाहिए बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज बिकॉज देर आर इक्वल एफर्ट्स फ्रॉम द कंपोजर्स ऑल्सो उसको पूरा बनाने में देन लिरिसिस्ट जो इतने मस्त वर्ड्स होते हैं सिंगर्स हैव टू सिंग सो तीनों का इक्वली 100% और मुझे तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पहले वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स मेहनत करते थे अभी नए वाले के लिए तो बहुत कंप्यूटर की वजह से ईजी हो गया है बट आई डोंट थिंक सो होता क्या था कि हम लोग पहले पिक्चर के लिए गाना बनता था तो साथ में बैठ के बनता था एक सिटिंग मेंबर है तो हारमोनियम लेके बैठे गाना बन रहा है तो दिखता था गाना बनते हुए अब क्या होता है गाने रेडी करके रखो किसी को पसंद आ जाए तो वो गाना बोलता हाँ ये मैं लेता हूँ और अपने पिक्चर में फिट कर देता सो उसकी जो मेहनत है वो गाना बेचने से पहले ख़त्म हो गई है वो दिख नहीं गई सो मेरे ख्याल से जो गाना बनाने की मेहनत है वो तो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर वैसे भी कर रहा है वो आज का हो या उस टाइम का उस टाइम पे सामने दिखता था बिकॉज मैनुअली सब दिख रहा था इस बार ये कि उसकी
सेलिंग में ज़्यादा नज़र आ जाती है कि बना के जो रखा है वो बाद में सेल कर रहा हूँ. You have started your journey at the age of 16 और स्कूल में भी आपको लोग ड्रमर बॉय बुलाया करते थे. So then how from there like such a early age, आरडी बर्मन साहब के सामने भी आपने गाया था, तो कैसे you land up getting into this music industry and like कैसे आपको अपना पहला प्रोजेक्ट मिला था? See, मेरे पिताजी जो हैं, पहली चीज़ तो हमारी फैमिली बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सरदार फ्लोर दुकान है, सिंह म्यूजिकल है, सब मेरे ब्रदर्स की हैं, वो उन लोग चलाते. बट मेरे डैडी जो है वो ये बेचना और बनाना छोड़ के बजाना शुरू कर दिया. सो ही वॉज अ एस म्यूजिशियन विद शंकर जी कृष्ण, एस डी बर्मन जी, कल्याण जी, एल पी, आर डी बर्मन, तो इनके साथ में एस म्यूजिशियन थे वो. तो उन्हें रिकॉर्डिंग में देखने जाते थे और सब. तो मैंने तो कुछ और कुछ दिमाग में ही नहीं आया कि और कुछ करना है, मुझे तो यही करना था. सो मैं झुकाव, मेंटल झुकाव पूरा एवरीथिंग वाज टुवर्ड्स करना पड़ेगा. सो स्कूल में भी गिटार हो या जो भी हो, तो जितना चांस मिलता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जहाँ म्यूज़िक का चांस मिल जाए, वो अभी गिटार बजाना तो गिटार बजा दूँगा, या एक पंजाबी डांसर हो तो मैं बैंड वाले ड्रम्स पकड़ के उस पर ढोल बजा देता था. तो इट वॉज लाइक एनुअल डे हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ म्यूजिक कर रहा हूँ. तो ऐसा होता है कई बार आप कहीं होते हैं कि जैसे आपने ढोल वाली बात बोली, कहीं आप जाते हैं तो आपको जैसे उसी टाइम एक धुन आ जाती है और आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन यू वर्क ऑन दैट म्यूजिक, ऐसा कोई इंसिडेंट है? एक्चुअली या इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग नो फॉर अ राइटर, और दिस इज ऑल्सो राइटिंग, दिस इज म्यूजिकल राइटिंग, दैट इज लिरिकल राइटिंग, या स्क्रीन प्ले राइटिंग, या थॉट्स, आइडियाज, ये होते हैं. उसको इमीजिएटली रिकॉर्ड कर लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फिर वो कभी कभी भूल जाता आदमी, यू नो. वैसे पहले के टाइम पे कुछ होता नहीं था, लिख लेते थे. फिर उसके बाद में हमारे पास डिक्टा फोन आया, जो छोटे छोटे कैसेट्स पे हम लोग कर लेते थे. अब तो हमारे फ़ोन पे अवेलेबल है डिक्टा फोन, जो डिजिटल निकला. फिर अभी तो हमारा हर फोन हैज़ अ डिक्टा फोन, सो इट्स बेटर टू डू दैट. बट क्योंकि नहीं था पहले, तो हमें याद ज़्यादा रहता था, राइट? सो जब से ये सब चीज़ें आई, मुझे तो मेरे खुद के गाने के लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, इतना ऐसे हो गया कि याद रखनी जरूरत नहीं वैसे. एंड डू यू थिंक दैट कर्टाइल फ्रीडम जो अभी कंपोजर्स की है वो थोड़ा लिमिटेड हो गई है? बिकॉज इन वन ऑफ द इंटरव्यू अमाल सेड कि जब प्रोड्यूसर्स हमारे पास आते हैं वो हमको ब्रीफ में इतना बोलते हैं, यार एक ब्लॉकबस्टर गाना दे दो. वो दे डोंट गिव अस फ्रीडम टू क्रिएट दैट म्यूजिक बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से. तभी जब व्यूवर्स भी उस गाने को देखते हैं तो वो बोलते हैं यार कंपोजर्स की गलती है, बट उनको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है कि प्रोड्यूसर्स का प्रेशर है. तो डू यू थिंक कहीं लिमिट? सी इट्स नॉट ओनली प्रोड्यूसर, इट्स अ मिली मिलाई जो चीज़ें चेंज हो गई है आस्ते आस्ते, वो म्यूजिक कंपनी की भी हो सकती है, वो प्रोड्यूसर की तरफ से भी हो सकता है, डायरेक्टर की तरफ भी हो सकता है. मेरे हिसाब से आप एक पिक्चर बना रहे हो, आप पिक्चर के गाने, पिक्चर के लिए गाने क्यों नहीं बना रहे हो? करेक्ट, है ना? आपका मतलब सिर्फ गाना पिक्चर में होना, सिर्फ गाना पिक्चर को, गाना हिट होगा तो पिक्चर, ऐसा नहीं. मेरे हिसाब से गाना आप पिक्चर के लिए बनाइए, उसमें से ऑटोमेटिकली कौन सा वाला एक इंजन सॉन्ग बोलते हैं या वो हुक वाला गाना बोलते हैं या जो भी, बट पहले ही खाली देखना है कि हिट कौन सा होगा. सो इट्स ओनली बिजनेस थिंकिंग, और आप म्यूजिक को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पिक्चर के लिए यूज़ करो और कोई तरीके से नहीं. वैसे तो इसीलिए तो पुराने गाने एक्टर्स के डायलॉग्स के साथ में भी हिट होते थे और वो सब ना. तो Would you like to remake any old songs? अभी remake का काफी जमाना चल रहा है, तो आप अभी कुछ remake? ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा हुआ, but मेरे हवाले कोई ऐसा गाना करें, I am open to do it, but I will do it within the limits of making sure वो गाने की soul को मैं प्रणाम करूँ और रहने दूँ, and then do everything around it. Otherwise, there's no point. If you could play something for us. Since we hear for Kesari के टाइम पे, तो Kesari में एक टप्पा, पंजाबी टप्पा था, क्योंकि गाने हम हार को इन सब में किया हो, तो मैं वो टप्पा खाली ऐसी गुन बना देता हूँ आपके लिए. Da-d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 a
एक तो म्यूजिकल फॉर्म जो बोलते हैं म्यूजिक ऑफ द फिल्म सफेद हमारे माता गाने गाने भी होते हैं प्लस द म्यूजिकल फॉर्मेट ऑफ एवरीथिंग बिटवीन एवरी सॉन्ग बिफोर द सॉन्ग एवरीथिंग सो उसमें क्या होता है जब सीन चल रहा होता है फ़र्क पहले पहला फ़र्क इसमें ये है कि गाना जब बनाया जाता है तब तक गाना शूट नहीं हुआ ना तो गाना बनता है फिर उसके बाद में उसके ऊपर शूट होता है ना एक्टर्स को देखा जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो बैकग्राउंड स्कोर सीन्स के लिए होता और वो सीन्स ऑलरेडी एक्टर के साथ में शूट हो गए हैं एडिट हो गए हैं और फिर म्यूज़िक को अपना काम करना है कि कहाँ पे कैसे कौन सा इमोशन अंडरलाइन करना है और अगेन जो डायरेक्टर चाह रहा है कि मैं ये सीन में क्या बोलना चाह रहा हूँ एक अगर हर एक चीज़ का एक जैसे बोलते हैं ना हेडर एक शॉट में मैं चाहता हूँ कि ये देखने वाले तक पहुँचे सो देन यू हैव टू सी क्या इंटेंसिटी ऑफ ड्रामा रखना है या ड्रामा रखना भी है या नहीं सिर्फ ड्रामा ड्रामा नहीं होता ड्रामा के दिस द इंटेंसिटी और इसके कितने लेवल्स बीच में तो वो सीन को समझना बहुत ज़रूरी है वो सीन में एक टेम्पो होता है बात करने का भी और डायरेक्टर हमेशा शूट करते हैं उसके दिमाग में एक टेम्पो चल रहा होता है वो स्टडी करना तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सीन में क्या ज़रूरत है और वो म्यूज़िक वो सीन पे जाता है तो सबसे पहला फ़र्क कि गाना शूटिंग से पहले बनता है और बैकग्राउंड स्कोर शूटिंग होने के बाद में होता है म्यूज़िक उसमें तो वो है दूसरा ये कि गाना can be a part which is not taking the story ahead but the background music is always a layer going with the storyline you know sometimes there are songs jisme kafi cheeze hain jo story aage leke ja rahi hoti hai you know aisa nahi and especially now jab ki pehle bahut sare gaane lip sync hote the actor gaya karte the ab aap notice karoge to 10 mein se 6-7 main bolunga आर ऑल बैकग्राउंड सॉन्ग्स दे नॉट लिप सिंक एक्टर जो भी चल रहा है वो माहौल बताया लेकिन वो मुँह से नहीं गा रहे सो वो भी बाद में डाला जा सकता है कि अच्छा बिकॉज इट्स लिप सिंक नहीं है लेकिन फिर भी वो सब गाने मोस्टली पहले रिकॉर्डेड होते हैं और फिर उस पर बुक किया जाता है सो द मेन डिफरेंस इज दैट स्टोरी लाइन एंड व्हाट मोर इज कमिंग अप लाइक व्हिच प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप नेक्स्ट अभी If I take the freedom of pre-seeing the things, so Mohit Suri ki Malang hogi shayad, then Bhatsap ki Sarak 2. Correct. Then there would be, there's a Punjabi film which is I'm just starting off called Ishq My Religion, Romushan Program. Then ek Punjabi religious film, animated. क्योंकि हम पंजाबी सिखिज्म में मतलब इम्पर्सनिफिकेशन ऑफ गुरुज एंड ऑल दैट इज़ नॉट अलाउड है ना तो एनिमेशन के तौर पे हम करना पड़ता तो वो वैसी एक फिल्म है प्लस मेरा टेलीविजन का चलता रहता है झांसी की रानी अभी चल रहा है ना वो चल रहा है एंड काल भैरव करके एक शो वो चल रहा है तो वो एक चीज़ें चलती रहती हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहती हैं और वेब सीरीज़ कुछ ना कुछ चल रहता है So I am open to music is a part of something. I love to be a part of it. That's it. Thank you so much, Raju, for talking to us. We wish you all the best for all your future endeavors. Thank you very much, Mugita. Thank you.